क्वेश्चंस किए थे पुली के। पहला टाइप का क्वेश्चन जो हमने किया था पुली का, वो बेसिकली क्या था, कनेक्टेड मोशन का था, मींस व्हेन टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड। सेकंड टाइप की मोशन जो हमने की थी वो एक एक पुली और दो मासेस, पुली का मास नहीं लेना। थर्ड टाइप का एग्जांपल जो किया था वो एक मूविंग पुली का क्वेश्चन था, जिसमें आपकी जो पुली है वो मूव करती है। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, मूविंग पुली का ही क्वेश्चन है। मूविंग पुली के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, फॉर एग्जांपल ये एक पुली है, ये एक अगेन पुली है, एंड ये सपोज 50 जी है, सपोज यहाँ पर 10 जी है, एंड ये कनेक्टेड है, ये कुछ सेम वैसा वैसा एग्जांपल है। इसके अंदर जो जो पुली है, स्पेशली ये वाली जो पुली है वो मूव करेगी, और हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि ये स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है कॉमन स्ट्रिंग है, जो यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, और ये कनेक्टेड स्ट्रिंग एक है तो टेंशन भी एक है, तो इसमें टेंशन की वैल्यू टी, यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी होगी, पॉइंट नंबर वन। फिर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो टेंशन होगी वो इससे डबल होगी, और इसका एक बड़ा सिंपल लॉजिक आप कर सकते हो बिना मैथ्स के, अगर आप करना चाहते हो कि सपोज ये जो पुली है, अगर मान लो ये मास ऊपर जाता है बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, तो उस केस में यहां पर ये स्ट्रिंग का पार्ट है और ये स्ट्रिंग का पार्ट है, तो इस पुली के लेफ्ट और राइट पर दो स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक, कहने का मतलब कि ये जो सिस्टम, अगर मान लो नीचे जा रहा है, अगर ये सिस्टम नीचे जा रहा है तो यहां से और रोप तो है नहीं जो खिंच जाएगी इसको नीचे ले जाएगी, सारी की सारी रस्सी, सारी की सारी जो स्ट्रिंग है वो कौन, वो किसकी निकलेगी, वो यहां की यूज करनी पड़ेगी हमें। ठीक, और अगर मैं यहां की यूज करूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ये पुली नीचे गई बाय अ सेम डिस्टेंस ऑफ लेट से एक्स, अगर मैं मानता हूं तो एक्स जाएगी या ज्यादा एक्स बाय टू जाएगी या टू एक्स जाएगी। देखो एक चीज समझो, ये जब ये जो ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है बाय सम डिस्टेंस, तो उस केस में ये पूरे का पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर आप एक काम करो, इसको ना करने का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है, आप स्ट्रिंग्स ले लो, धागे ले लो, और घर में एक रुपए का कॉइन या जो पुली होती है कुछ उसी के से अरेंजमेंट कर लो। आप क्या करोगे कि जब उसको मूव करवाओगे तो प्रॉब्लम ये है कि ये तो स्ट्रिंग वर्टिकली ऊपर जा रही है, पर यहां पर जो स्ट्रिंग है वो हाफ हाफ, हाफ का मतलब कि आधी इस तरफ आधी इस तरफ जा रही है। मतलब एक तरीके से आप ये इमेजिन करो कि हमने एक सिंपल बड़ी स्ट्रिंग को फोल्ड कर दिया इधर और इधर, और अगर मैंने फोल्ड कर दिया उतनी ही पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को, इट मींस कि ये स्ट्रिंग कितना डाउन जाएगी बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स बाय टू। सिंपल, जस्ट मैथ्स के बिना अगर लॉजिक लगाओ तो वो एक्स बाय टू होगा। खैर हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो ऐसे याद कर लिया कि अगर यहां पर टेंशन टी है तो यहां पर टेंशन टू टी है, और अगर यहां एक्सेलेरेशन ए है तो यहां पर एक्सेलेरेशन ए बाय टू है, क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट हाफ है तो एक्सेलेरेशन भी हाफ है। तो इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो कि ये क्योंकि मास ऊपर जा रहा है, ये 50 इंटू जी है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी टी माइनस 50 इंटू जी इज इक्वल टू 50 इंटू ए, पॉइंट नंबर वन। और ऐसी क्योंकि ये मास नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए बाय टू, तो 10 जी माइनस 2 टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए बाय टू। दो इक्वेशन बन गई, इनको साइमल्टेनियसली आपने सोल्व करना है, आपके पास आंसर आए, ये चीज क्लियर है। इसी का नेक्स्ट जो वर्जन है, जो नेक्स्ट टाइप है, वो आप नोट कर सकते हो। सपोज ये पुली नंबर वन है, सपोज ये पुली नंबर, सपोज ये पुली नंबर वन है और यहां पर 10 केजी का मास है। लेट से यहां पर ये पुली नंबर टू है और सपोज ये पुली नंबर थ्री है जो ऊपर से कनेक्टेड है। सपोज ये पुली नंबर फोर है जो यहां से कनेक्टेड है। सपोज ये पुली नंबर फाइव है जो यहां से कनेक्टेड है, एंड ये जो है 25 है, ये जो है 20 है, ये जो है ये 5 है, कुछ ऐसे ये मासेस हैं इसके। आपको इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या आएगा वो आप जो भी अपने बुक सॉल्व करेंगे या जो भी पार्ट सॉल्व करेंगे उसमें क्वेश्चन आएगा। मेरे को इसमें लंबी लंबी इक्वेशंस ही बनानी,
नाम तो नहीं लिखा था आपने, आप दूसरे बैच इन तीनों नहीं आए थे, इस नाम वाले नाम वाली बुकलेट है, इसकी एक नाम वाली बुकलेट है और एक दो तीन चार बिना नाम की बुकलेट देना। तो देखो, तो एक इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करनी है। ये एक स्ट्रिंग है जो इधर से गई, इधर गई, इधर गई, यहां से होती हुई, यहां से होती हुई, इधर से होती हुई, ये इधर आ गई। तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन विल रिमेन सेम, एक स्ट्रिंग है टेंशन सेम है। तो टेंशन इसके अंदर क्या होगी कि अगर यहां पर टेंशन टी है, यहां पर टेंशन टी है, यहां पर टेंशन टी है, टेंशन टी है, टेंशन टी है और टेंशन टी है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस माने जाते हैं, जो मैंने बताया था कि मैं इसका शॉर्टकट करवाऊंगा, पर आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि आज हमें वो टॉपिक से ज्यादा करने हैं जिससे कि आपका जो मोमेंटम है वो बन जाए ऑब्जेक्टिव बुक्स में। ऐसा नहीं ना, अगर मैं एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन करवा दूंगा तो उसमें बैठे रहोगे, बाकी बुक नहीं आप टच कर पाओगे। तो मेरे को आज वैरायटी ज्यादा दिखानी है ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप घर में जाकर जब सॉल्व करोगे तो आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपके सामने अरेंजमेंट है, इन क्वेश्चंस को करने के दो स्टाइल होते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं कि यहां पर टेंशन टूटी और यहां पर टेंशन टूटी, ऐसे यहां पर टेंशन टूटी तो यहां पर टेंशन टूटी। अगर आप चाहो तो हाँ आप यहां बोल सकते हो यहां पर टेंशन भी टूटी होगी, पर मैं करूंगा क्या इंटेंशन की, क्योंकि ये जो पुलीज है ऊपर नीचे वाली, जो ऊपर वाली पुलीज है 1, 3 और 5 ये मूव तो करने की, तो ऊपर की टेंशन की मेरे को जरूरत नहीं। क्वेश्चंस को करने का स्टाइल देखो, बोलो नहीं आएगी, पुली नंबर 2 तो आएगी ना, पुली नंबर वन को टांग दिया यार, ये कैसे नीचे आएगा, 2 को टांगा ही नहीं छत के साथ, वो तो हवा में घूमेगी ना। देखो इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक, देखो टेक्निक करने की, यहाँ पर टेंशन टूटी टूटी लेनी है। अब इसको क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं।
پہلا طریقہ کہ آپ جو میرے والا کانسیپٹ لگاؤ کہ پہلے اگر یہاں ٹینشن ٹی ہے، یہاں ٹو ٹی ہے، یہاں اے ہے، تو یہاں ایکسلیشن اے بائی ٹو ہے، اے بائی ٹو ہے، تو پھر اس کی ایکسلیشن اے بائی اے سم تھنگ ہو جائے گی، سم تھنگ سم تھنگ اے بائی فور، اور کیا ہوتی جائے گی، چینج ہوتی جائے گی. ان کوشچنس کو ایسے اٹمپٹ نہیں کرنا، ان کوشچنس کو آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے کیسے اٹمپٹ کرنا ہے وہ ایک کرنے کا اسٹائل ہے، اور یہ اسٹائل سے ہمیشہ صحیح آنسر آئے گا. اب دھیان سے دیکھنا، سب سے پہلے آپ مان لو کہ یہ دونوں موو ہی نہیں کر رہے، موو ہی نہیں کر رہے. سپوز کرو یہ موو کر رہا ہے بلاک ود این ایکسلیشن آف اے ون، مان لو اے ون. اب اگر یہ اے ون ہے تو یہ پوری کی پوری روپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو یہ اس کے اکارڈنگلی اوپر جائے گا ود این ایکسلیشن آف اے ون. مطلب پہلے بلاک کا جو افیکٹ ہے آخری بلاک کے اوپر وہ کتنا رہے گا، اے ون رہے گا. پوائنٹ نمبر ون از کلیئر. پوائنٹ نمبر ٹو، ایک ایک کر کے کرتے ہیں اس کو. کنسٹرینٹس کی ایکویشن بولتے ہیں، مجبوری کی ایکویشن، کہ ہم ایک چیز کو رکا ہوا مانتے ہیں تو دوسرے کا افیکٹ اس میں جنریٹ کرتے ہیں. اب مان لو اے ون کا افیکٹ ہو گیا، اب سپوز کر لو یہ موو نہیں کر رہا، ایک منٹ کے لیے یہ موو نہیں کر رہا، یا اگر کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، کر لو، کوئی بات نہیں، ہم یہاں پر اے ون تو لکھ ہی چکے ہیں، اٹس اوکے. اے ون اگر موو کر رہا ہے مینس فرسٹ بلاک موو کر رہا ہے، اس کا افیکٹ اے ون ہے سیکنڈ. اب مان لو ایک منٹ کے لیے کہ یہ جو بلاک ہے، یہ جو بلاک ہے یہ نیچے موو کر رہا ہے ود این ایکسلیشن آف اے ٹو، اور اگر یہ اے ٹو ہے تو اس، اور مان لو یہ موو نہیں کر رہا، تو اس کا افیکٹ اس بلاک میں جا کے کیا ہوگا، ٹو ٹائمز اے ٹو، کیونکہ جہاں ٹینشن ڈبل ہے اس پورشن میں ایکسلیشن ہاف ہو جائے گی. یا پھر اگر یہاں اے ایکسلیشن ہے تو یہاں پر اے بائی ٹو ہے، مینس جہاں ٹینشن ڈبل ہوتی ہے وہاں ایکسلیشن آدھی ہو جاتی ہے. تو اگر یہاں ایکسلیشن اے ٹو ہے تو اس پورشن میں ایکسلیشن جا کے کیا ہو جائے گی، ٹو اے ٹو ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر ٹینشن ٹی ہے، یہاں ایکسلیشن کا افیکٹ ڈبل ہے. سیکنڈ اسٹیپ کلیئر ہے؟ اس کے اندر سپوز اے ٹو کا افیکٹ آ گیا، نیکسٹ ہے اے تھری کا افیکٹ. اگر یہ اے تھری سے جا رہا ہے تو اس کا افیکٹ اس میں کیا ایڈ ہو جائے گا، ٹو ٹائمز اے تھری. ساروں کی ایکسلیشن کا افیکٹ نکال لیا. اینڈ فائنلی مجھے اس میں کیا کرنا ہے، میں جب اس کا افیکٹ نکالوں گا تو اب میں ایکویشنز بناؤں گا. اس کی ایکویشن دیکھو کیسے بنے گی. اس کی ایکویشن اگر بنانی ہے تو مان لو پہلے میں اس کی ایکسلیشن ایکویشن بناتا ہوں 10g. تو یہ اگر سسٹم نیچے جا رہا ہے تو اس کی ایکویشن 10g مائنس ٹی از 10 انٹو اے 1، فرسٹ ایکویشن. یہ بلاک اگر نیچے جا رہا ہے تو 5g مائنس 2t از اکول ٹو 5 انٹو اے 2، سیکنڈ ایکویشن. یہ بلاک اگر نیچے جا رہا ہے تو 20g مائنس 2t اگین از اکول ٹو 20 انٹو اے 3، ایکسلیشن. اور یہ بلاک چاہو تو نیچے ایزیوم کر سکتے ہو، بٹ ٹو اوائڈ نیگیٹو سائن میں اس کو اوپر ایزیوم کرتا ہوں. تو t مائنس 25g is equal to 25 into A1 plus 2 A2 plus 2 A3. یہ آپ کی فائنل ایکویشن بنے گی. اتنا بڑا کوشچن اس طریقے کا آنا مشکل ہے، بٹ کیونکہ اس میں نمبر آف ویریبل بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو تین پولیز میں دے دے، ہو سکتا ہے آپ کو ایک سیکنڈ میں ایک لائن کا کوشچن دے دے، لیکن کانسیپٹ ایسا یوز ہوتا ہو. تو صرف کانسیپٹ دیکھنا ہے، دس از ناٹ اے نیومیریکل. اپنے آپ A1, A2, A3, A4 کے اپنے آپ نیگیٹوز اور پوزیٹوز میں اپنے آپ آنے شروع ہو جائیں گے، اس سے کوئسچن غلط نہیں ہوتا. آئے گا تو میگنیٹیوڈ میں آئے گا اس میں، مطلب آٹومیٹیکلی. اگر مان لو آپ یہ بول رہے ہو کہ A3 بلاک اوپر جا رہا ہے اور میں نے غلطی سے نیچے زوم کر لیا نا، تو آپ کا نیگیٹو آنسر آ جائے گا A3 میں.
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसका। स्कैन करवा दूं, पेन ड्राइव में ले लेना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखो। मान लो ये एक पुली है, सपोज वन, दिस इज सेकंड, एंड सपोज यहां ऐसे बनाना डायग्राम, सपोज ये एक पुली है और ये 20 है, ये 10 है और स्टार्ट हो रही है, नीचे जा रही है और कुछ ऐसे, मतलब इसका जो स्ट्रिंग है वो इसके ऊपर घूम रहा है और अब 10 है। अज्यूमिंग कि ये डायग्राम सही मान लेना, वो स्ट्रिंग टेढ़ी नहीं है, स्ट्रिंग सीधी है, सारी सारी स्ट्रिंग सीधी ही है, ठीक। वो मैंने हाथ डायग्राम नहीं सही बना, पर सारी स्ट्रिंग सीधी है, ठीक। तो सपोज करो कि ये 10 है, ये 20 है, बस और कुछ नहीं। आपको निकालना है कि इनिशियल एक्सेलेरेशन क्या होगी, जैसे सिस्टम चला तो इनिशियली कितनी एक्सेलेरेशन से चला। रूल लगाते हैं, रूल जो हमने सीखा वो रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले एक कॉमन स्ट्रिंग ढूंढते हैं कि कॉमन स्ट्रिंग कौन सी है। अगर मैं कॉमन स्ट्रिंग की बात करूं तो कॉमन स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट करें कहीं से, ये देखो ये एक स्ट्रिंग गई, इसके ऊपर से गई, इसके ऊपर से गई, इसके ऊपर से गई, इसके ऊपर से गई और यहां पर आई, और यहां पर तो जा रही है वही स्ट्रिंग इसके ऊपर से घूमते हुए यहां, यानी ये तो एक ही स्ट्रिंग है। इसका मतलब एक ही स्ट्रिंग है, इट मींस हर पार्ट में जो टेंशन की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, सेम, टी टी एंड टी टेंशन ये लो। पर एक प्रॉब्लम है, अगर मैं अपना वही कॉन्सेप्ट लगाऊं जो थोड़ी देर पहले लगा रहा था, हाँ यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, तो यहां पर क्या होनी चाहिए, तो कंफ्यूजन हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गई। एक कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो टू टी, उल्टे कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो टी। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, चलो ठीक है आपकी बात भी सही मेरी बात भी सही, तो एक ही केस बनता है, टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब फ्री फॉल, ये पुली फ्री फॉल होगी, एक्स की एक्सेलरेशन जीरो आएगी और जी आएगी 9.8। तो याद रखना जहां दो कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं टेंशन में, टूटी और टी पुली वाले क्वेश्चंस में, तो उस केस में टेंशन को आपने क्या लेना है, जीरो। टेंशन जीरो का मतलब इसमें स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, उसमें बल पड़ जाएंगे और बल पड़ेंगे तो एकदम नीचे गिरेगी, एकदम नीचे गिरेगी तो नीचे गिरेगी विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ जी। इसका आंसर 9.8 आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है,
टाइप का जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा आएगा कि सपोज करो एक पुली है, सपोज एक पुली है, सपोज ये एक इधर कोई ये मास है जो वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, ये वाला एंड वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, ये वाला एंड भी वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, और सपोज ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस डी नॉट है, ये डिस्टेंस डी नॉट है, और इधर से क्या हुआ कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये रहा। और मान लो कि बस आपको ये गिवन है क्वेश्चन में, आपको ये गिवन है, आपको ये नहीं गिवन, मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये नहीं गिवन, मैंने खुद एज्यूम किए, और आपको इसमें गिवन है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसमें एल है, आपको ये गिवन है, एल इज गिवन, आपको ये बताना है कि अगर मैं यहां पर एक वेट या मास लगा दूं, तो अगर मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को अपने हाथ से नीचे खींच रहा हूं तो ये ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर, तो एल ही है, नहीं ये वाला यहां से लेके यहां तक एल है बस, ठीक, तो बताओ कितनी वेलोसिटी से ये ऊपर गया, ये क्वेश्चन है, ठीक, मतलब एक दो एंड्स की वेलोसिटी वी नॉट है, सेंटर वाला मास ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा ये आपको निकालना है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन अगर करने हैं तो एक ही तरीका है, और तरीका क्या है, आपने अपने मन में वेरिएबल्स एज्यूम कर लेने हैं, गिवन नहीं है, मान लो ये डी नॉट है, ये मिड पॉइंट है, तभी ये डी नॉट बराबर डिस्टेंस है, ये एल तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, और मान लो ये डिस्टेंस कितने है एक्स, और सपोज ये एंगल कितने है थीटा, और हाँ थीटा आपको गिवन है, नहीं भी गिवन तो भी थीटा इज चेंजिंग विद टाइम, थीटा जो है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपने एक राइट ले लेना है ऐसा कुछ, एक ले लिया, इसमें आपने पाइथागोरस लगानी है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस डी नॉट स्क्वायर, ठीक हो गया यहां तक, फिर आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देना है, 2l dl by dt, 2x dx by dt प्लस 0, क्योंकि ये तो डिस्टेंस कभी चेंज ही नहीं होगा मिड पॉइंट का, तो इट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, यहां तक क्लियर है, आगे 2 से 2 कैंसिल, अब मुझे एक चीज पता है कि इसकी जो वेलोसिटी है इसकी dl by dt की, डी एल वाई डी टी की वेलोसिटी इससे चेंज हो रही है वी नॉट से, वी नॉट डायरेक्टली लिंक्ड है ना एल के साथ, क्योंकि वी नॉट जितना ज्यादा होगा एल उतना ही छोटा होना शुरू हो जाएगा, वी नॉट जितना बढ़ाओगे, वी नॉट और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे तो एल लेंथ उतनी छोटी होगी, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मुझे इसमें पहले निकालना क्या है, वी टू, वी टू का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, मतलब वी टू मुझे निकालना है, और V2 का मतलब क्या है, dx by dt मुझे निकालना है, और मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है dl by dt की वैल्यू इज गिवन टू बी V0, अब इसमें जब मैं dl by dt की वैल्यू पुट करूंगा तो मैं क्या पुट करूंगा, माइनस V0, माइनस क्यों नहीं, एक और रीजन है इसका, रीजन ये है जब आपकी डिस्प्लेसमेंट कम होती है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव में आती है, dl by dt लेंथ छोटी हो रही है, आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ा नहीं रहे हो टाइम के साथ, आप डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, तो हमेशा उस केस में आपको क्या करना है, माइनस पुट करना है, हालांकि इसमें कोई वैसे फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसी dx by dt का मतलब माइनस v, माइनस इसलिए है क्योंकि इसमें x इज चेंजिंग विद टाइम एंड x इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो x इज डिक्रीजिंग विद टाइम का मतलब यहां पर साइन माइनस में पुट करके, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बताया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, एंड फाइनली आपके पास क्या आएगा, आपके पास जब आप इसे, आपको इसके अंदर क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको इसमें V2 निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय X इनटू V0, या V2 इज इक्वल टू V0 X डिवाइडेड बाय L, अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर देखो तो X डिवाइडेड बाय L आपके पास क्या है, cos ऑफ, आंसर आ गया V2 को V0 बाय cos थीटा, ठीक है यहां तक, तो जब भी दो पुलीज और ये ट्रायंगल इस टाइप के बनेंगे पाइथागोरस, और पता कैसे लगेगा, ये फॉर्म टेक्निक है, पाइथागोरस लगा के डिफरेंशिएट करो टेक्निक है, करना सेम तरीके से पड़ेगा, बट शुरुआत यहां से होगी, ठीक है ना,
क्वेश्चन है कि एक वॉल है, दीवार है, ये फ्लोर है, एक लैडर है, लैडर ये रही, लैडर जो है वो क्या कर रही थी, सपोज वो इस तरफ स्लिप कर रही है, तो ये एंड इधर और ये एंड इधर आ रहा है, ठीक, बड़ा फेमस क्वेश्चन है इस तरीके का। बताओ जब एंगल 60 डिग्री हो गया तो इस एंड की जो स्पीड है वो सपोज 3 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ इस एंड की स्पीड क्या होगी। अब क्या करोगे, इसको एल एज्यूम कर लोगे, इसको आप वाई एज्यूम कर लोगे, इसको एक्स एज्यूम कर लोगे, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 into इसकी तो डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, 2 into x into dx by dt प्लस 2 into y into dy by dt, तो इसकी जगह वी वाई, इसकी जगह वी वी एक्स, आपको पता है वी वाई निकाल लेना आंसर। और ये जो x और y है, x और y को जब सॉल्व करोगे तो tan theta is equal to y by x, वहां से आंसर आ जाएगा। क्या तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, आने दो, क्या होगा, तो y is decreasing, y डिक्रीज हो रहा है, लैडर के जो डिस्प्लेसमेंट y की डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में अपने आने दो, कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना, किस क्या एप्लीकेशन है। एक और एप्लीकेशन कराता हूं जहां आपको देखो कोई बताने तो आएगा नहीं, पाइथागोरस लगाओ डिफरेंशिएट करो, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, सपोज आपके पास एक पुली है, सपोज आपके पास एक 10 मास है, और मान लो एक मिनट के लिए ये 50 है, ठीक। क्वेश्चन है कि ये जो लेंथ है, अभी इसको रोक के रखना है आपने, इसको मूव नहीं करवाने देना, इसकी लेंथ 2 मीटर थी, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2 मीटर। नेक्स्ट है, इसमें आपको क्या निकालना है, ये एंगल आपको गिवन है क्वेश्चन में 60 डिग्री, आपको ये भी गिवन है कि सपोज 10 का जो मास है वो नीचे इनिशियली स्टार्ट मींस रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ, इमेजिन करो सिस्टम चल रहा था, किसी इंस्टेंट पर ऊपर एंगल 60 डिग्री हो गया और लेंथ कितनी हो गई थी स्ट्रिंग की 2 मीटर, उस इंस्टेंट पर इसकी जो स्पीड है लेट से क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर पर सेकंड थी, 5 की स्पीड थी, पर कांस्टेंट है 5 की स्पीड, रादर कांस्टेंट मींस कांस्टेंट ऐसे नहीं है, मैं कांस्टेंट नहीं मानूं क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम, बस इस इंस्टेंट पर 5 थी जब मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस इंस्टेंट पर ये 5 थी और सिस्टम चल रहा है, तो ये बताना है आपको 50 kg की फिर स्पीड क्या थी, ये बताओ, 50 की स्पीड निकालनी है आपको, 10 की स्पीड पता है, ठीक है ना, यहां तक तो लैडर में तो दिख रहा था 2 एंड्स, इसमें आपको खुद बनाने पड़ेंगे 2 एंड्स, देखो कैसे, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आप एज्यूम कर लो एक मिनट के लिए क्या कि 2 मीटर, ठीक है, आपके पास ये डिस्टेंस भी पता है आपको, जो ये वाला डिस्टेंस है बेस यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस भी तो पता ही है आपको कैसे, पर इस इंस्टेंट पर पता है, ये मत सोचो कि आपको ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, जैसे जैसे 50 केजी पास आता रहेगा वैसे वैसे ये डिस्टेंस कम होता रहेगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमेशा लेंथ 2 मीटर ही रहेगी, मुझे मालूम नहीं क्या होगा, हाँ पर मुझे इतना मालूम है कि मैं 2 मीटर को यूज कर सकता हूं, और अगर मैं इस ट्राइंगल में कॉस ऑफ 60 का कॉन्सेप्ट यूज करूं, तो मान लो ये एक्स है, x डिवाइडेड बाय क्या जाएगा 2, तो यहां से सॉल्व करोगे x की वैल्यू क्या आएगी 1 मीटर, तो ठीक है मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसमें ये डिस्टेंस 1 मीटर इस इंस्टेंट पर गिवन है जब मुझे वेलोसिटी निकालनी है 50 की, याद है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लो एक मिनट के लिए ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इज डी नॉट जो कि कांस्टेंट है, इसमें नहीं चेंज होना, पुली का और उस एंड का डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, वर्चुअल लाइंस है ये, तो सपोज यहां से ये ट्रायंगल बना लेना प्लीज, मींस ये यहां तक है, यहां से लेके यहां तक इस डिस्टेंस को हम एल मान लेते हैं एक मिनट के लिए, जबकि एल इज गिवन टू बी 2 मीटर, मुझे मालूम है एल की वैल्यू 2 मीटर है, बट एल इज चेंजिंग विद टाइम, एल तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और मान लेते हैं कि बेस का डिस्टेंस इज एक्स, बिकॉज एक्स इज अगेन चेंजिंग विद टाइम, पर हाँ इस इंस्टेंट पर एक्स की वैल्यू इज, ठीक हो गया,
मेरे को वेलोसिटीज, एक वेलोसिटी पता है, दूसरी वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं पाइथागोरस लगाता हूँ, एल स्क्वायर डी नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। और इसके अंदर बेसिकली मुझे क्या करना है, अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं और डिफ्रेंशिएट करूं तो 2l dl by dt ये कांस्टेंट है, 2x dx by dt, ठीक है ना, यहां तक डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, ठीक। अब मुझे एक चीज गिवन भी है, मुझे क्या चीज गिवन है और मुझे क्या निकालना है, मुझे वेलोसिटी ऑफ 50 निकालनी है ना, वेलोसिटी ऑफ 50 का मतलब 50 इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब आई हैव टू कैलकुलेट dx by dt, और मुझे गिवन क्या है, लेंथ के साथ इसकी स्पीड का रिलेशन गिवन है, तो मुझे गिवन है dl by dt की वैल्यू कितनी गिवन है, 5। लेकिन इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर बात समझ में आ रही है, इसके बाद क्या हुआ मेरे से ना पूछो, पता नहीं क्या हुआ इसके बाद, तो फिर देखेंगे इसका क्या करना है, पॉइंट क्लियर है इस इंस्टेंट में तो क्लियर। तो इस केस में 2 इंटू एल की वैल्यू मैंने क्या पुट करनी है, 1 नहीं 2, एल की वैल्यू इज 2 और डीएल बाई डी टी की जगह 5 माइनस 5 पुट कर दे, लेंथ चेंज हो रही है, कम हो रही है लेंथ जैसे जैसे मास नीचे जा रहा है, एल इज डिक्रीजिंग, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 1 और यू हैव टू कैलकुलेट डी एक्स बाई डी आपको निकाल, तो यहां से डी एक्स बाई डी टी कैन बी कैलकुलेटेड, जो सॉल्व करने पर आंसर क्या आ रहा है, माइनस 10। तो फिर ऐसा कर लो, एक एक कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप अगर ऐसा मानते हो कि x डिक्रीज माइनस लगा लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, x इज डिक्रीजिंग, तो देखो अगर आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो फिर दोनों में लगा दो, अगर आप एक एक में लगाना भी भूल गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आप भूल गए थे, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है वैसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लेफ्ट में लगा रहे हो तो आपको राइट में भी लगाना पड़ेगा, आप या तो मैग्नीट्यूड में काम करो, आप डायरेक्शन देख ही नहीं रहे, पर नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि इससे क्वेश्चन सही रहते हैं, अगर आप ये लेके चलो कि एल इज चेंजिंग, कम हो रहा है, एक्स भी कम हो रहा है, तो दोनों माइनस माइनस है, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू करिए 10 मीटर पर सेकंड। इसी के अंदर यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलेरेशन ऑफ 50 केजी आल्सो। अब आपको एक्सेलेरेशन निकालनी है, अगर आपको एक्सेलेरेशन निकालनी है तो आपके पास एक इक्वेशन तो आई हुई थी, 2x dx by dt इज इक्वल टू 2l dl by dt, तो कैंसिल ही हो गया था, यहां तक तो हमने कर ही ली थी ना सॉल्व, एक और डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तभी एक्सेलेरेशन तक पहुंचेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करें, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u इंटू वी की टर्म आ गई ना, u इंटू वी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, पहले एक बार x बाहर इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी बाहर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू l बाहर, तो क्या बचा dl बाई डी टी का डी टू, ठीक है ये हो गया, प्लस dl बाई डी टी बाहर इंटू डीएल बाई डी टी, ठीक मेडिकल में नहीं आएगा, आप रिलैक्स करो, ठीक है याद है, याद है क्लियर है। नेक्स्ट है x इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर l डी टू एल बाई डी टी स्क्वायर डीएल बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है। अब dx by dt का मतलब क्या है, velocity, dx by dt का मतलब क्या है, velocity, क्या थी velocity इसकी 5 की 10 निकाली अभी हमने, dl by dt कितना था 5, l कितना था इस इंस्टेंट पर
एक्स कितना था, निकालना क्या है, ये निकालना है, ये निकालना है, और मुझे क्या चाहिए निकालने के लिए, ये चाहिए। अगर आप मुझे डी टू एल बाई डी टी स्क्वायर बता दो, मेरा आंसर आ जाएगा, सही है ना। और आपको बताना आता है नहीं, वही न्यूटन की लॉज की इक्वेशन भूल गए ना, ओ एम जी माइनस टी एम ए, अब वापस आ जाएंगे, उनको तो यूज ही नहीं किया अभी, तो बस ऐसे ही करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ये, यहाँ तक इक्वेशन क्लियर है मेरे बात, अभी मान लो क्या निकालना है, डी टू एल बाई डी टी स्क्वायर। इसको करने के लिए आप एक काम करो, ये यहां से ले लें, टेन जी माइनस टी इज इक्वल टू टेन ए, एक इक्वेशन ए निकालना है ना, चलो ए की जगह क्या लिख लेते हैं, हम ए की जगह लिख लेते हैं कितना, डी टू एल बाई, एक ही बात है, ए लिख लो ये लिख लो, एक ही बात है। ठीक है यहां तक, और यहां से इक्वेशन बनाए, एक ऊपर से क्या इक्वेशन बनेगी बोलो, यहां पर टेंशन टी आ जाएगी, क्लियर है, टेंशन टेडी होगी ना, हाँ, और यहां पर ये एंगल कितना था 60, तो एक टी कॉस 60 और इस तरफ से टी साइन 60, आई एम सॉरी, ये कॉस 60 इधर आएगा और साइन ऊपर आएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन तो है नहीं,
तो दूसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे टी कॉस 60 इज इक्वल टू 50 इंटू 50 की एक्सलेशन, जो कि आपको क्वेश्चन में मालूम है, नहीं जो कि आपको निकालनी है, सॉरी जो कि आपको निकालनी है। ये पॉइंट क्लियर है जतिन? ठीक है ना, ए 50 को अगर लिखने तो ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी कॉस 60 इज इक्वल टू 50 इंटू डी टू एल बाय डी टी स्क्वायर एक्स के एल, नहीं नहीं हाँ एक्स आएगा सॉरी, डी टू एक्स बाय डी टी, ये स्क्वायर है प्लीज पेन नहीं चल रहा, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, एक पीछे वाली एक ही वाली, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है आंसर। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें? आइडिया क्लियर है ना इसको कैसे करना है क्वेश्चन को? अभी इसके बाद ये तो पुलिस, और देखो कोई लेवल का अंत नहीं है इसमें, जितनी मर्जी पुलियां घुमा लो, बैठे रहो दो महीने पुलियां घुमाते रहो तो भी सफिशियंट है। पूरी किताबें लिखी हुई है लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पे, पूरी पूरी मैकेनिक्स का पार्ट है, और मैकेनिक्स जितना मर्जी कर लो, हमने स्पेसिफिक करना है। चलो क्या है, दो वेरिएबल्स है, दो आ गई क्वेश्चन, फिर बनेगी टी साइन 60 इज इक्वल टू 50 जी, जरूरत नहीं है, बैलेंस नहीं करेंगे, हाँ उठ जाएगा, उठेगा, पर इसमें फिर क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशन निकालनी है ना, टी कॉस टी साइन, एक आपके पास वैल्यू कुछ और तो नहीं गिवन इसमें, एक तो ये होगी, ठीक है ना, एक ये होगी, एक पीछे साइड में भी तो थी ये वाली, ठीक है तीन हो गई। अभी नेक्स्ट जो हमने किया था लास्ट टाइम, मोमेंटम इंपल्स पुलीज और बैलून वाला एयर वाला एग्जांपल करवाया, कौन सा बुकलेट का, ये मास है इसका भी मास लेना है, प्रोजेक्टाइल से किया था अपने रेंज का। ओके, अभी जो नेक्स्ट आज का कॉन्सेप्ट करना है, देखो इधर आज का कॉन्सेप्ट हमने किया फोर्स इज, एक एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आई एम सॉरी फोर्सेस पे, और उस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना है आपने हैंडल, उसमें क्या करना है कि मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, बड़े फेमस क्वेश्चन है, लिफ्ट के अंदर कोई पर्सन है, इसका रिएक्शन आर है, इसका वेट एम जी है, लिफ्ट इज एट रेस्ट, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट तो आर इज इक्वल टू, ठीक हो गया। मान लो अब लिफ्ट रेस्ट पे नहीं है, लिफ्ट एक्सलरेट कर रही है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसका रिएक्शन चेंज हो जाएगा, आर ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंगली एक आर और एक एम जी, ऑब्वियसली आर शुड बी ग्रेटर देन एम जी तभी, क्योंकि आपका सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो यहां से आर की वैल्यू आएगी एम इंटू जी प्लस ए। कई लोग याद भी करते हैं कि अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलेरेट कर रही है, तो उस केस में उसका जो रिएक्शन है आर वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम इंटू जी प्लस ए। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, अब अगर सपोज करो उल्टा केस है कि आपकी लिफ्ट जो है उसमें पर्सन है, आर रिएक्शन ऊपर है, एम जी नीचे है, नीचे आ रही है, तो एम जी माइनस आर इज एम ए, या आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, और आर एम जी माइनस, तो जब हम नीचे आते हैं तो हमारा रिएक्शन बॉडी के ऊपर कम हो जाता है, वेट से कम हो जाता है, हम हल्के फील करते हैं अपने आप को, ऊपर जाते हुए हम भारी फील करते हैं, इसको कभी कभी बोलते हैं कि ये हमारा क्या कौन सा वेट है, एपरेंट वेट है। ठीक हो गया यहां तक,
और अगर लिफ्ट की रोप टूट जाए तो a इज इक्वल टू g हो जाए, अगर a g के इक्वल हो जाए तो r की वैल्यू जीरो, तो हम हवा में उड़ने शुरू हो जाएंगे, हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा जीरो। ठीक, इसको फ्री फॉल बोलते हैं या वेटलेसनेस की कंडीशन बोलते हैं। a g के इक्वल पुट करना है, g माइनस जी जीरो। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, ये तो एक शॉर्टकट सा तरीका है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, आर माइनस एन जी, एम जी माइनस आर, काम खत्म। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये नहीं है, एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है कि सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है। सूडो फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है पहले वो समझना पड़ेगा, तब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सूडो फोर्स, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था जो आपके एचसीएल में बड़ा बहुत अच्छे से गिवन है, सबसे बेस्ट उसी में गिवन है कि सपोज एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक लैंप है। ठीक, देख लेना घर जाके, सेम ये क्वेश्चन है। एक बंदा लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है और लिफ्ट नीचे आ रही थी, एक बंदा नीचे खड़ा हुआ है, क्या हुआ, लिफ्ट की रस्सी टूट गई। ठीक, जब ये टूट गई तो ये फ्री फॉल में आ गया, एक्सेलेरेशन क्या हो गई जी। ठीक, और मान लो एक मिनट के लिए कि ये इससे किसी तरीके से बात कर सकता है। ठीक, मान लो एक मिनट के लिए कि ये बात कर सकते हैं और बहुत ऊपर से गिर रहा है और टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं हो रहा, बस नीचे गिर रहा है, तो इसने इससे पूछा कि लैंप की क्या पोजीशन है, इसको नहीं पता ये फ्री फॉल है कि नहीं, हमें पता है, तो लैंप तेरे को कैसा लग रहा है, तो ये बंदा बोल रहा है कि क्या हुआ लैंप को, लैंप तो रेस्ट पे है, क्योंकि इसके लिए ये रेस्ट पे है, क्योंकि वो बंदा खुद लिफ्ट में है। अब मैं अगर ये लिफ्ट कमरा नीचे गिरना शुरू हो जाए और पंखे को देखता रहूं तो मेरे हिसाब से तो ये पंखा रेस्ट पे है, लेकिन जो सड़क पे खड़ा है और मान लो ये ग्लास का कैबिन है, उसको क्या लग रहा है कि ये तो फ्री फॉल हो रहा है, और इन इन दोनों की एक्सेलेरेशन कितनी है, जी है। अब ये क्या हिसाब है, ऐसे कैसे हो गया, वही लैंप है, वही लिफ्ट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, कौन कहां से देख रहा है ये चेंज हो रहा है, और न्यूटन ने इस पॉइंट ऑफ व्यू का नाम क्या दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई लिफ्ट के फ्रेम से देख रहा है चीज को और कोई ग्राउंड के फ्रेम से देख रहा है कि चीज कैसे चल रही है। इसका मतलब आंसर फ्रेम से चेंज होते हैं। अब ये तो समझ आ गया होते हैं, बट न्यूमेरिकल में कैसे होते हैं, इसकी वैल्यू कोई अगर पूछ ले, न्यूमेरिकल पूछ ले सूडो फोर्स का, क्या सूडो फोर्स तो बहुत बाद में आती है, छोड़ो उसे, कोई अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे तो फिर आंसर कैसे देंगे। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, ट्रेन रेस्ट पे है, खड़ी हुई है। आप एक काम करो, आप क्या करोगे, इस ट्रेन के अंदर एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, आप जाओ इसके ऊपर फोर्स लगाओ 8 newton। ठीक है, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस ब्लॉक की एक्सेलेरेशन आपने क्या एक्सपीरियंस की, लेट से a, तो आप क्या करोगे, 8 is equal to 10 into a, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, 8 divided by, कोई डाउट किसी को इसमें, आंसर आ गया। ठीक, अब सपोज करो ये केस हो गया खत्म, नेक्स्ट केस है ट्रेन रेस्ट पे नहीं है, ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया और ट्रेन ने एक्सेलेरेशन 2 meters per second square से एक्सेलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, फ्रिक्शन लेस है। तो सबसे पहले एक चीज को समझो कि अगर आप नहीं खड़े हुए ट्रेन के अंदर, कुछ नहीं है, एक अकेला ब्लॉक पड़ा हुआ था, तो आपको क्या लगता है, अगर ट्रेन जो है वो एक्सेलेरेट करना शुरू कर दे तो ब्लॉक अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, फ्रिक्शन नहीं है, क्या होगा, ब्लॉक कहां आना शुरू हो जाएगा, पीछे, और जैसे जैसे ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ाएगी ब्लॉक अपनी स्पीड भी बढ़ाएगा, जितनी तेज ट्रेन जाएगी उतनी ही तेज ब्लॉक पीछे आ जाएगा, यानी कि ब्लॉक की पीछे जाने की एक्सेलेरेशन कितनी होगी, 2 meters per second। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक समझ आ रहा है ना।
अब सपोज करो मेरे को भेज दिया गया ट्रेन में जाओ, और चलती हुई ट्रेन में आपने मुझे आंसर देना है। मैं ट्रेन में चला गया, और जब मैं ट्रेन में गया मुझे कहा कि अब 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ, मैंने लगा दी। और अब मेरे को कहा गया अब बताओ ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या है। मेरे को पता नहीं था कि इस तरीके से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, आपको तो पता है। मेरे हिसाब से तो बस कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से एक ब्लॉक है, मैंने 8 न्यूटन की फोर्स लगाई, 10 kg के ऊपर लगाई। तो मैंने अपना आंसर दिया, चलो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, मैंने अपना आंसर दिया अप्लाइड फोर्स तो मेरी 10 है, 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस ट्रेन की, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन ए आगे जाने की, और ए की जब मैंने आपको वैल्यू बताई कि मेरा ए इतना आ रहा है, 1 आ रहा है, आपने कहा गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। ऐसा कैसे हो गया यार, न्यूटन का लॉ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन में लगा रहा हूं ना, और तो कुर्सी के ऊपर कुछ नहीं लग रहा था, आप आए लगाने, फोर्स नहीं आई, सिर्फ मैंने लगाई ना, मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं मैं कर रहा हूं, तो नेट फोर्स होती है, तो फिर दूसरी फोर्स किसने लगा दी, मैंने तो नहीं लगाई। सूडो फोर्स तो बाद में रोल हीरो बन के आएगा ना, अभी नहीं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। तो एक चीज तो क्लियर है, मैं न्यूटन का लॉ लगा रहा था चलती हुई ट्रेन में, एक्सेलरेटेड ट्रेन में, मेरा आंसर आप लोगों ने गलत बताया। ठीक, आप एक काम करो, आप सब आओ और मान लो ट्रेन के अंदर आ जाओ, हम ट्रेन के अंदर है, आप खुद देखो ना करके आंसर, देखो ट्रेन चल रही है कोई बात नहीं चलने दो, इसके ऊपर हम 8 न्यूटन या 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, 10 किलो की कुर्सी है, एक्सेलरेशन 1, आप सब मान गए हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, मेरे फ्रेम में आके सोच रहे हो, बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आएगा, वो क्वेश्चन में मान लो ट्रेन का या ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हम क्या उस लिफ्ट के अंदर जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर कुर्सी अपनी क्लासरूम में बैठ के करेंगे? देखो दो आंसर चेंज हो रहे हैं, मानते हो ना, मैंने दो एग्जांपल दिए, या तो लिफ्ट के अंदर बंदे से पूछ लो या अर्थ के ऊपर बंदे से। हम कहां बैठे हैं? अर्थ में, हम अर्थ में बैठे हैं, हमारे सारे न्यूमेरिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होते हैं। आपने कोई भी ट्रेन का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कोई भी मूविंग एक्सेलरेटेड या कोई भी मूविंग बॉडी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने उसके अंदर जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपने बाहर बैठ के करना है। अगर आप क्वेश्चन में कहेगा भी कि आप अंदर आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने अंदर नहीं जाना, आपने कुछ फोर्सेस लेके उसको बाहर से सॉल्व करना है। ठीक, अब इसको टेक्निकली इस लैंग्वेज में बोले, इसे मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा बोला कि हमारे सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होते हैं। अगर कोई बंदा अंदर जाके एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो न्यूटन का लॉ लगा रहा है 10 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन, तो ठीक है उसका अपना आंसर सही है, लेकिन हमने उसकी बात नहीं सुननी, हमने तो उस बंदे की बात सुननी है जो ग्राउंड पे है। ठीक है ना यहां तक? और ग्राउंड वाला बंदा जो है वो, उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर गलत है। और ये इनसाइड वाले पर्सन ने कौन सा लॉ लगाया था? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। और आउटसाइड वाले बंदे ने न्यूटन सेकेंड लॉ को क्या बोल दिया कि गलत है, यानी कि न्यूटन का सेकेंड लॉ चलते हुए एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के अंदर जाके अगर लगाया जाए तो वो गलत आंसर देगा। ठीक, तो चलता हुआ ऑब्जेक्ट या एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट, जो एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर अगर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो न्यूटन का सेकेंड लॉ पक्का क्या हो जाएगा? फेल। तो जहां न्यूटन का सेकेंड लॉ फेल होता है उस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो अगर आप लिफ्ट के अंदर जाके, ट्रेन के अंदर जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप किस फ्रेम में आ चुके? नॉन इनर्शियल। तो हम अपना क्वेश्चन नॉन इनर्शियल के विद रिस्पेक्ट टू कभी नहीं करते। हम मानते हैं कि अर्थ के ऊपर न्यूटन का लॉज सब वैलिड है, तो मुझे अपना क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ करना है, तो उसके लिए इस नॉन इनर्शियल फ्रेम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? इनर्शियल। ठीक, और अगर आप सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इसका 10 kg, और आप यहां पर बैठे हुए हो, अब आपको अगर नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में करना है तो आप एक काम कर सकते हो, वो क्या कि अगर सपोज करो मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, मुझे इसकी एक्सेलरेशन ढूंढनी है, तो मेरे को एक फोर्स कंसिडर करनी पड़ेगी
जिसको सूडो फोर्स बोलते हैं. सूडो फोर्स, सूडो मीन्स फोर्स, नॉट रियल. नॉट रियल कैसे? देखो असली फोर्स पता है क्या होती है, मैं गया मैंने इसको धक्का मारा दीवार से चिपक गया, ये असली फोर्स है. अब देखो नकली फोर्स क्या होती है, मैंने इस रूम को बहुत तेज घुमाना शुरू कर दिया, आप सब उड़ के दीवार के साथ चले गए, मैंने आपको टच नहीं किया, नहीं किया ना, आप दीवार के पास उड़ के गिर जाओगे. मैंने नकली फोर्स लगाई, सूडो फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑल्सो अ, बिना टच किए अगर मैं आपको हिला देता हूं तो वो सूडो फोर्स है. ठीक, अब बेसिकली क्या होगा, ट्रेन भी तो ऐसा ही कर रही है, ट्रेन जैसी आगे एक्सीलरेट कर रही है वो ब्लॉक के ऊपर एक पीछे की तरफ क्या लगाएगी, फोर्स, एक नकली फोर्स जो मैंने नहीं लगाई लेकिन लग रही है इस ब्लॉक के ऊपर. और फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन, इसका मास कितना है 10 और इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी पीछे की तरफ 2, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया अगर फ्रिक्शन है नहीं जितनी तेजी से ट्रेन आगे जाएगी उतनी तेजी से ब्लॉक भी पीछे आएगा. ठीक है ना यहां तक. तो सूडो फोर्स की कैलकुलेशन में जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर सूडो फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी, जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा सूडो फोर्स उतनी ही कम लगेगी. एक्सेलेरेशन तो पतले और मोटे बंदे के लिए सेम है ना, लेकिन मास के ऊपर बात आ गई ना. अब तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन. जितने भी मान लो ये सब सपोज करो हम सब ये ट्रेन के अंदर है, फ्रिक्शन नहीं है, हम फिसलते रहेंगे, एक मिनट अगर मैं हिल भी गया तो मैं आगे जाता रहूंगा, मैंने हिलना नहीं, हम सब बैठे हैं. ये ट्रेन चल पड़ी विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तुम इधर आओगे 2 के साथ, तुम भी वो अलमारी इतनी भारी, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फ्रिक्शन तो है नहीं. हाँ फ्रिक्शन को बीच में मत लेके आओ, क्योंकि फ्रिक्शन है फिर ये नहीं मूव करेगा, फिर मैं मूव करूंगा सिर्फ. तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका 100 kg का मास है, 100 × 2 200 न्यूटन की फोर्स से पीछे जाएगा और सोचो खिड़कियां तोड़ देगा. और अगर मान लो इतनी सी कोई इंसेक्ट है वो भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका मास ही 0.1 kg है, वो क्या करेगा, वो मूव तो करेगा पर उसे शीशा टूटेगा नहीं, फोर्स कम है. इमेजिन कर पा रहे हो ना, यानी कि मास के ऊपर भी डिपेंड करता है. कोई डाउट इसमें? तो अब सूडो फोर्स की कैलकुलेशन समझ आ गई, मास इंटू ट्रेन की एक्सेलरेशन. आगे जाएगा, आगे जाएंगे, ट्रेन रोको ना, अब आगे जाके गिरोगे जाके. ठीक है यहां तक. Means pseudo force is always opposite to the direction of motion of a train. ये मैं लगाऊंगा, चलो मैं नहीं लगाता, छोड़ अभी, रुक जा अब. ठीक, अगर मैं नहीं भी लगाऊंगा तो पीछे मूव करना शुरू कर देगी. ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाता हूं. ठीक है, छोटी हो गई थी ना 10, pseudo force ज्यादा बड़ी हो गई थी, तो मैंने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई कि चलो आगे की तरफ मूव करवाए. अब क्योंकि मैंने सूडो फोर्स कंसिडर कर ली है, इसका मतलब कि ये फ्रेम किस उसमें आ गया है, इनर्शियल फ्रेम. और इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल. तो न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर आगे की फोर्स है 100 और पीछे की फोर्स है 20. तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इस बॉडी का मास इंटू इसकी एक्सेलरेशन. a डबल डैश, तो a डबल डैश कैन बी, पॉइंट क्लियर है कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उन क्वेश्चन में आपको सूडो फोर्स तो पक्का लेनी ही लेनी है. ठीक, क्यों एज्यूमिंग क्लियर, एज्यूमिंग की बस एरो है. वो कह रहा है कि आप भी तो खड़े हो, मैं खड़ा खड़ा लगा दूंगा, मैं तो उसी फ्रेम में हूं. अगर मेरी फोर्स पूछी जाए तो मेरी फोर्स में सूडो फोर्स लो ना, ब्लॉक की फोर्स में मेरी फोर्स क्यों लगा रहे हो. ठीक है, फिर फ्री बॉडी डायग्राम का पंडाई गोल हो गया. क्या होता है, मेरी फोर्स मेरी इक्वेशंस हैं, आपकी फोर्स आपकी इक्वेशंस हैं. तो मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूं और आप कह रहे हो कि मेरी अपनी हेडेक है यार, मेरे अंदर है इतनी पावर, मैं मेरे पे लगती रहे, मैं 100 न्यूटन लगा दूं, आपकी क्या हेडेक है यार, तुम्हें क्या लेना देना, मुझसे मतलब है. तुम ब्लॉक को देखो, मैंने मेरे को पीछे किसी ने पकड़ा हुआ है, तो तुम्हारी क्या हेडेक है, पीछे 10 लोग और खड़े हैं जो धक्का लगा रहे हैं मिलके, अब लगाओ थोड़ा फोर्स,
वो ब्लॉक की बात हो रही है तो ब्लॉक की बात, उसके आगे पीछे क्या चल रहा है वो नहीं देखना, ठीक है ना। यहां तक नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इसी इसी कॉन्सेप्ट को देखो, लिफ्ट है, नहीं लिफ्ट से पहले एक और चीज रह गई, एक ट्रेन है, आगे देखो इधर देखो इधर देखो, ट्रेन रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, एक्सलेशन जीरो है, सूडो फोर्स जीरो है। अब मैं अगर 100 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं 10 केजी के ऊपर, तो 100 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, निकाल लोगे एक्सलेशन आंसर, ठीक हो गया। या फिर अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है तो एक्सलेशन फिर भी नो सूडो फोर्स, कोई सूडो फोर्स है तब भी 100 इज इक्वल टू मास इनटू सेम आंसर आएगा। प्लेन मैं भी एक्सेलरेट करूं, अगर वो इनर्शियल होगा तो सूडो फोर्स लगनी बंद तो नहीं हो जाएगी। अगर मैंने क्या बताया, अगर प्लेन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स तो लगेगी ना, इनर्शियल कैसे हुआ। रिलेशन रखते हैं, मैं भारी हूं जितना ज्यादा इनर्शिया उतनी ज्यादा सूडो फोर्स, अभी तो बताया मास भारी तो सूडो फोर्स भी ज्यादा, ठीक। हाँ आप वो बता रहे हो कि वो पैर आगे चले जाते हैं, वो थ्योरी है, अब मैथ्स है, सूडो फोर्स तो है, फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम उसमें डिफाइन करते हैं कि बंदा पीछे चला जाता है, हम ये तो नहीं करते कि फोर्स कितनी फोर्स से पीछे जाता है, ये सेकंड पार्ट है उसका। तो हुआ क्या, मैं पीछे हो गया था तो हो सकता है प्लेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो ब्रेक मार दे तो मुझे पता है मैं आगे गिर सकता हूँ बहुत तेजी से, तो इसलिए कहते हैं कि बेल्ट लगा लो। फिर जब हम ऊपर हाइट पे आ गए तो प्लेन की स्पीड हमेशा कांस्टेंट हो जाती है, फिर आप चाहे कॉफी जो मर्जी पियो वो नीचे नहीं गिरेगी, क्यों, क्योंकि सूडो फोर्स नहीं है, जब एक्सेलरेट करता है तो कोई चाय कॉफी नहीं, क्योंकि वो गिर जाएगी, उसके ऊपर तो लगेगी सूडो फोर्स। तो बेसिकली क्या होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है कोई सूडो फोर्स नहीं, आप आराम से घूमो, फिर जब वो लैंड करेगा बहुत स्ट्रांग सूडो फोर्स आएगी, फिर से आप क्या लगाओगे, बेल्ट लगाओगे। क्लियर है यहां तक, तो वही तो केस है ये जो मैं बता रहा हूं। अब एक चीज तो क्लियर है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चले इट मींस कि उसमें सूडो फोर्स नहीं होगी, कोई एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करे उनमें सूडो फोर्सेस होंगे, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। एक लाइन और बताना चाहता हूं इसमें, वैसे आती नहीं है बट पता होना चाहिए, हम पता कैसे करते हैं कि कोई जो जो बॉडी चल रही है, ट्रेन चल रही है, वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। हम सिंपली एक चीज कैलकुलेट करते हैं कि अगर ए है तो नॉन इनर्शियल है, अगर ए नहीं है तो वो इनर्शियल है। एक्चुअल में अब और पीछे जाओगे तो दो ज्यादा डीप भी नहीं, सिर्फ एक लाइन, अगर एक फ्रेम है वो इनर्शियल है और सपोज एक और फ्रेम है बिल्कुल इसके मींस के मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वी, ये फ्रेम भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वी, तो इसको भी इनर्शियल होना ही पड़ेगा। दो प्लेन्स अगर दो फ्रेम्स अगर पैरेलल जा रहे हैं ना, तो अगर एक इनर्शियल है और दूसरा विद कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो दूसरा पक्का इनर्शियल है, लेकिन अगर
एक वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है इनर्शियल और दूसरा वी डैश के साथ जा रहा है। वी डैश का मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू, तो इसमें एक्सेलरेट कर रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू वी, तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन है। या फिर ऐसा कर देते हैं इसको और बेटर बनाने के लिए कि सपोज ये एक्सेलरेट कर रहा है, चलो ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है अपनी, तो ये कौन सा है नॉन, इसका नाम अर्थ रख दो अर्थ। तो जो अर्थ है वो इनर्शियल फ्रेम होती है, अर्थ वैसे इनर्शियल फ्रेम है, स्टेशनरी है, और इसके ऊपर कोई भी अगर गाड़ी चलती है तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वो भी इनर्शियल है, और अगर कोई एक्सेलरेट करती है तो वो नॉन इनर्शियल। लेकिन अगर आप और डीप में जाओगे, अर्थ भी मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स, अर्थ भी नॉन इनर्शियल है, पर न्यूटन ने कहा कि ऐसा यूनिवर्स खत्म ही नहीं होगा यार, उसको खत्म करो, अर्थ स्टेशनरी है, अर्थ इज इनर्शियल, वही तो बात है। तो मतलब कहीं इसका अंत कहां मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, तो यानी न्यूटन के लॉ तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फेल ही होते जा रहे हैं। तो उसने स्टॉप लगाया, उसने कहा कि बस इसके आगे मत जाना, हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ और ग्राउंड में लिए रुका हुआ है, तो ये सब कुछ इनर्शियल है। ज्यादा इसकी थ्योरी में नहीं जाएंगे। सूडो फोर्स का मैं एग्जांपल ले रहा था, लिफ्ट वाला केस, अगर एक लिफ्ट है और सपोज इसके ऊपर रिएक्शन आर लग रहा है, इसका वेट है एम जी, और सपोज ये रेस्ट पे है, और अगर रेस्ट पे है तो ये फ्रेम कौन सा है, इनर्शियल है, इनर्शियल है। इनर्शियल का मतलब आर इज इक्वल टू एम जी, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, जितना आर लगा उतना एम जी बैलेंस कर गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज करो सेम क्वेश्चन है, ये आर है, ये एम जी है, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद ए, पॉइंट नंबर वन, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो कौन सा फ्रेम है नॉन इनर्शियल। इसको इनर्शियल करने के लिए इसका मास एम है, तो इसके ऊपर नीचे की फोर्स लगेगी एम एम ए, ठीक है ना, सूडो फोर्स लग गई और ये बॉडी हवा में उड़ नहीं रही लिफ्ट के अंदर ना ऊपर, लिफ्ट के अंदर हम लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं। तो उस केस में लिफ्ट के अंदर अगर मैं आया तो एम ए मेरे पे एक्सपीरियंस हो रही थी, लेकिन आप तो लिफ्ट के बाहर बैठे हुए हो, आपके हिसाब से तो बंदा जो है फ्लोर के ऊपर है, कुछ भी नहीं करना, आर मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो वो सेम ही आंसर आ गया एम इंटू जी प्लस ए। और उसी तरीके से अगर ये पर्सन है, ये आर है, ये एम जी है, और ये कहां रहे नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कहां लगेगी ऊपर, तो आर प्लस एम ए मस्ट बी इक्वल टू एम जी, या आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, वो सेम आंसर था। डाउट इसमें, चलो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं करते आज, आज इसके सूडो फोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन नहीं करते। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हेलमेट आपने सॉल्व करनी है, आप पूछते थे ना होमवर्क दो, होमवर्क दो, फिर मैं इसको निकालू ना अपने असाइनमेंट में। तो द एलिवेटर शोर इन अ फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ टू, द मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन है, इसका जो मास है 0.5 केजी है, ट्रेन नीचे मूव कर, सॉरी लिफ्ट नीचे मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इस पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स, वही तो पूछ रहा है कि सूडो फोर्स
निकाल रहा हूँ ना आगे, तो इसमें मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि फोर्स एग्जर्टेड बाय अ ब्लॉक ए ऑन बी इज व्हाट। देखो एक तो इसमें फोर्स कौन सी लगने वाली है, सूडो फोर्स। वेट भी तो होगा इसका बॉडी का, टोटल करेंगे। या फिर ऐसा क्यों नहीं करते, अगर कोई बॉडी का मास एम है, अभी हमने किया, अगर कोई बॉडी का मास एम है और अगर वो नीचे जा रही है तो जी माइनस ए करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, उसके चक्कर में पड़ जाना। लिफ्ट वाला केस को तो करना ही ऐसे है, एम इंटू या तो जी प्लस ए या एम इंटू जी माइनस ए। अगर तो लिफ्ट नीचे एक्सलेट कर रही है तो एम इंटू जी माइनस ए, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एम इंटू जी प्लस ए। तो मास आपको गिवन है, जी आपको पता है, एक्सलेशन आपको पता है, वहां से रिएक्शन आ जाएगा। रिएक्शन ही तो निकालना है। बेसिकली क्या होता है कि दो बॉडीज अगर कॉन्टेक्ट में है, यू हैव टू कैलकुलेट दी रिएक्शन।
ये ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन सबको क्लियर है तो छोड़ ही दो, इसका वेट एम जी क्लियर है, अगर ये एम जी है तो ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ये कितना हो गया एम जी, कॉस 30 हो गया, एंड नीचे की तरफ फोर्स कितनी होगी एम जी, साइन 30 हो गई, एम जी की फोर्सेस तो क्लियर है। अब जब ये ऑब्जेक्ट ये सिस्टम आगे चला विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ए नॉट, एम के ऊपर एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट क्या लगी, सूडो फोर्स, कितनी, एम इंटू ए नॉट। डायग्राम क्लियर है यहां तक, पूरा वेज आगे गया विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ए नॉट, तो सूडो फोर्स एग्जैक्टली ए नॉट के ऑपोजिट, एम इंटू ए नॉट। कोई डाउट इसमें, इस सूडो फोर्स के भी दो कॉम्पोनेंट, तो ये भी 30 डिग्री हो गया, थीटा हो गया, तो एक और, हाँ इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये ए नॉट कितनी आगे गया विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ जी, तो ठीक है फिर इस केस में एम इनटू क्या कर देंगे, जी। बट कंफ्यूज नहीं हो ना, ये वो वेट नहीं है, वो तो क्वेश्चन में कहा कि एक्सेलेरेशन वेज की ए नॉट जी के इक्वल है, तो मैंने जी पुट किया, अदरवाइज एम ए नॉट ही होना चाहिए था। ये देखो, तो इसमें इसका एक कॉम्पोनेंट इस सूडो फोर्स का थीटा के साथ एम जी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा एम जी इंटू साइन थीटा। ठीक, अब क्योंकि ये नीचे जा रहा है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ओके, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो उस केस में सूडो फोर्स बड़ी होगी, तो उस केस में ये फोर्स इससे बड़ी है, नेट फोर्स कितनी है, एम जी इंटू कॉस ऑफ 30 माइनस एम जी इंटू साइन ऑफ 30, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू, तो आपके पास इस सिस्टम की क्या आ जाएगी, एक्सेलेरेशन। क्लियर है, ये एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर, क्योंकि ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर। ठीक है यहां तक, तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, आपको एसी गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है एसी की लेंथ इज गिवन टू बी 1 मीटर, तो आप ऐसा करो, आप एसी के लिए लगाओ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इंटू एटी स्क्वायर, तो एसी की वैल्यू 1 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, ए आप निकाल के यहां पुट कर लेना, टाइम निकाल लेना, आंसर यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक, मेथड क्लियर है, ठीक है ना, कितनी तेज इसको मूव करवाऊं, कितनी एक्सेलेरेशन से इस कार्ट को मूव करवाऊं, कि यहां पर फ्रिक्शन है, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स इसका मास m है,
ये नीचे ना गिरे, ये नीचे ना गिरे, ठीक। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर ये नीचे गिरता है तो इसको कौन नीचे गिरता है? इसका। और अगर ये नीचे नहीं गिरता तो इसको कौन बचा सकता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं ना तो भूल जाओ कि ये चिपका रहेगा। आप कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी तेज मूव करवाओ, इससे नीचे गिरना ही गिरना है, ठीक। तो अगर वर्टिकल दीवार पे अगर कोई टिका भी हुआ है ना तो सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही उसको रोक सकती है, अदरवाइज कोई नहीं रोक सकता। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी हो जाए तो ये रुक जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी हो गया, ठीक है ना। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? देखो नॉर्मल रिएक्शन होता है कॉन्टैक्ट के साथ जो नॉर्मल फोर्स है। अगर मैं यहां खड़ा हूं, मेरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। अगर मैं दीवार के ऊपर खड़ा हूं ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, ठीक ठीक है। तो अगर ये आगे जा रहा है, इसका मास m है, तो पीछे की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी इसके ऊपर? सूडो फोर्स। तो सपोज करो अगर मैं इसको दबा रहा हूं विद अ फोर्स ma, तो दीवार में क्या लगा रही है? रिएक्शन। और जिसकी वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली ma। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं है, ma है, ठीक। पुट कर दो म्यू टाइम्स ma, mg, mm कैंसिल, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय म्यू। मेरी एक्सेलरेशन मेरे नंबर 33 या 33 से ऊपर आए तो मैं पास हूं। कम से कम नंबर कितने आने चाहिए? 30। तो मेरी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू है तो मैं नीचे नहीं गिरूंगा। तो मेरी कम से कम एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें?